गुलबर्गा शहर में अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उमरा जाने वाले हजरात के लिए उमरा ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें उमरा जाने से लेकर वापस लौटने तक की तमाम तफसीलात बताई गई हैं। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स हैदराबाद कर्नाटका में पिछले 20 सालों से हज उमरा सर्विसेज में अपनी खिदमात अंजाम देते आ रहा है। लॉकडाउन की वजह से कई महीने हज उमरा सर्विसेज बंद की गई थी, लेकिन 2022 जनवरी से दोबारा सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं। जनवरी फरवरी के बाद अब मार्च की 20 तारीख को तीसरा ग्रुप अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से रवाना होने जा रहा है। इस मौके पर अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के जिम्मेदारों ने कहा, चौथा ग्रुप अप्रैल यानी रमज़ान के महीने में तैयार होने वाला है और उमरा के अलावा इस साल हज के लिए भी पैकेज तैयार किए गए हैं। जो कोई भी रमज़ान में उमरा और इस साल हज के लिए रवाना होना चाहते हैं, वो अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स से राब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लॉकडाउन के बाद कोविड के ख़त्म इख्तिताम पर उमरे का सिलसिला शुरू हो गया, तो इस सिलसिले में अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स कलबुर्गी की जानिब से ये तीसरा ग्रुप उमरे के लिए रवाना हो रहा है। पहला काफिला 18 जनवरी को, दूसरा काफिला 21 फरवरी को, तीसरा काफिला 20 मार्च को रवाना हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 36 अफराद पर मुश्तमिल ये उमरे का काफिला हैदराबाद से मदीने मनवरा के लिए और मदीने मनवरा से मक्के मुकरमा के लिए इंशाल्लाह रवाना होगा। इस काफिले के अंदर अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपरेटर ताहिर अली खान साहब, जो मैं खुद हूँ, इस काफिले के साथ रवाना हो रहा हूँ। दूसरे काफिले में हमारे भतीजे अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के डायरेक्टर मीर मुद्दसिर अली खान रवाना हुए थे। 8 मार्च को वापसी हुई। अब तीसरा काफिला इंशाल्लाह 20 मार्च को रवाना होगा और रमज़ान मुबारक के अंदर भी एक उमरे का पैक्स बना हुआ है। 13 अप्रैल को रवाना होगा और 1 मई को वापसी होगी। 19 दिन का ये पैक्स इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के अंदर उमरे के लिए रवाना होगा। पहला अशरा, दूसरा अशरा इंशाल्लाह मक्के मुकरमा के अंदर और तीसरा अशरा मदीने मनवरा के अंदर रहेगा। जो भी अहबाब रमज़ान मुबारक के उमरे की सआदत हासिल करना चाहते हैं, अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए 13 अप्रैल को जो काफिला रवाना हो रहा है उसमें अपनी बुकिंग करा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नार कर्नाटका के अंदर अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स जाने पहचाना ट्रैवल है, हज के का लाइसेंस भी रखता है। इस साल के हज की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। जो अहबाब हज की बुकिंग करना चाहते हैं, हमारे दफ्तर मिजगुरी पे तशरीफ़ लाएँ और हज की तफसीलात मालूम कर लें और हज की बुकिंग करा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक रोज़ा उमरा तरबियती कैंप मुनाकिद किया गया था सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा काफिला इंशाल्लाह अब आने वाले 20 मार्च को रवाना होगा। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स पिछले 20 साल से हुज्जाज इकराम की खिदमत कर रहा है। हैदराबाद कर्नाटक रीजन का एक बाएतमाद ट्रैवल्स है। अल्हम्दुलिल्लाह कई अफराद इस ट्रैवल्स से हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत कर चुके हैं। कोविड की वजह से 2 साल बंद था, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर से चालू हुआ है सिलसिला। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हरमैन शरीफ़ैन को हमारे लिए फिर से खोल दें और वहाँ की रहमतें और बरकतें हम सब पर नाजिल फरमाएं। इंशाल्लाह जो हमारा अगला काफिला और जो रवाना होगा वो रमज़ानुल मुबारक में रवाना होगा, उसकी भी बुकिंग जारी है और महदूद सीटें हैं, और हज 2022 उसकी भी सीटें और वो भी उसकी भी बुकिंग जारी है। जो भी हजरात हज या उमरे के लिए जाना चाहते हैं वो अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स से राब्ता करें।